हेलो एवरीवन, मैं शुभम कुमार और मैंने फिल्म देखी क्रैक। मतलब फिल्म कमाएगा तो विद्युत का करियर चल पाएगा। अब ये स्पोर्ट्स ड्रामा एक्शन थ्रिलर फिल्म है जहां पर स्पोर्ट्स होता है और उसके विनिंग प्राइस ओलंपिक से भी ज्यादा है और गेम्स अपने सड़क छाप जैसे, और नूरा फतेह भी देखने को मिलती है जहां पर कैमरामैन ने इस बार न सिर्फ फेस दिखाया और कहीं नहीं गया है। अब इसके अंदर विद्युत जामवाल, अंकित मोहन, अर्जुन रामपाल देखने को मिलते हैं। और स्टोरी की बात करो तो स्क्वाड गेम करके एक वेब सीरीज आया था जिसको आपने देखा रहेगा, जिसके अंदर मौत का गेम होता है सेम टू सेम। यहां पर भी वैसे ही होता है, अमीरों को की मौत को देख के मजा आता है और यहां पर भी वही होता है। मतलब जैसा जैसा रेस बढ़ते जाएगा, उनका पैसा भी बढ़ता है तो लोग उस पर सत्ता वगैरह लगाते हैं। और आप एक और फिल्म याद आ जाता है लक करके, जिसमें संजय दत्त देखने को मिले थे अपने को उस टाइम पे, वैसा वैसा पूरा वाइब देता है ये फिल्म। लेकिन इसके स्टार्टिंग में विद्युत जामवाल अपना स्टंट वगैरह दिखाते हैं, कुर्ला के पब्लिक से कॉम्पिटिशन करते हैं। मतलब ट्रेन के ऊपर चढ़ते हैं, नीचे आते हैं, ऊपर चढ़ते नीचे आते, जहां पर अपने को ऐसा लगता है कि भाई लुको को मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई बेटा सही कर रहा है जो तो जिंदगी में कर रहा है। फिल्म के स्टार्टिंग में ही विद्युत अपने एक्शन से एंट्री लेते हैं और ऑडियंस वहां पर पागल हो जाती है, चिल्लाने लग जाती है विद्युत का वो लुक देख के। और वहीं पर विद्युत एक डायलॉग बोलते हैं और थिएटर एकदम शांत हो जाता है, ऐसा लगता है कि फिल्म खत्म हो गया क्योंकि इतना पुअर डायलॉग डिलीवरी। क्या भाई आपन चढ़ेगा ना ट्रेन पे, मतलब वो इतना चीप लगता है। और फिल्म के अंदर दो भाइयों की इमोशनल स्टोरी भी चलती है विद्युत जामवाल और अंकित मोहन के बीच में, जो देखने में मजा आता है और कहीं कहीं क्रिंज भी लगता है कि भाई ये सब कौन दिखाता है आज टाइम पे, क्या फालतू चीजें चल रही है, ऐसा आपको एक जगह पे फील हो जाएगा। लेकिन फिल्म के अंदर जो आपको स्टंट सीन देखने को मिलते हैं वो काफी ही लाजवाब है। वहां पर फिल्म में आपको ऐसा लगता है कि चलो यार इतना खर्चा हो गया तो कुछ तो मैंने देखा ही है। लेकिन मैं ये बता दूं कि अभी बोर्ड वगैरह चल रहे हैं लोगों का, तो जिसने भी फांसी का सोचा है कि मैं सुसाइड वगैरह कर लूं, वो जाके इस फिल्म के ऑडियंस से जाके बातचीत करे, देखे कि वो कितना टॉर्चर झेल रही है फिल्म को देखते हुए। अब मैं सुना हूं कि विद्युत जामवाल जो है वो टॉप वर्ल्ड टॉप 10 के डेंजरस पर्सन में आते हैं, अब टॉर्चर में भी आएंगे वो टॉप 10 के, क्योंकि यार उनके जो डायलॉग डिलीवरी है वो लिटरली बहुत ही ज़्यादा क्रिंज है। मतलब वो सुन के आपके कानों में पेन हो जाएगा कि भाई मत बोलो, आप एक्शन करो, वही अच्छा लग रहा है। बाकी अगर फिल्म के अंदर गाने की बात करें तो ठीक ठाक आता है, ठीक ठाक चला जाता है, पता ही नहीं चलता है। और वहीं पर अपने को अर्जुन रामपाल देखने को मिलते हैं जिनको देख के आपको ऐसा लगता है कि कभी भी होम लोन नहीं लेना चाहिए, वरना ईएमआई भरने के लिए कैसा कैसा काम करना पड़ता है। और फिल्म के अंदर नूरा फतेह, अमेज एक्शन भी देखने को मिलती है, जिनके बारे में बात नहीं करूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिल्म के एंडिंग में जो विनर डिसाइड होता है, मतलब फाइनल रेस होगा, जो वो सीन को क्रिएट किया है वो मुझे यारिया करके आई थी जो बंडल थी, वो फिल्म का एंडिंग नजर आता है। अब ओवरऑल फिल्म की बात करूं तो मैं 2 out of 5 स्टार दूंगा इस फिल्म को। ये फिल्म काफी लिमिटेड लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, क्योंकि यार ये चीजें सिर्फ वही देख सकते हैं जो जिंदगी में कुछ कर नहीं सकते। मतलब कि यार बहुत कम लोग हैं जो इस चीजों को आज भी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। अब देखो यार ऐसे कमर्शियल फिल्में देख के मुझे ना सिर्फ एक ही लाइन याद आता है, सत्यजीत रे साहब की, जो इंडियन डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा था कि इंडियन ऑडियंस ऑलवेज बी अ बैकवर्ड ऑडियंस बिकॉज दे ऑलवेज सपोर्ट अ स्टूपिड कमर्शियल फिल्म। मतलब कि यार उनका मानना था कि यार आज तक, मतलब आने वाले टाइम में भी हम जो ऑडियंस है वो हमेशा ऐसे ही बंडल या कमर्शियल फिल्मों को ही सपोर्ट करती, जिसके कारण ओरिजिनल सिनेमा को हम कभी नहीं देख सकते। वजह भी हमारी ऑडियंस है, इसलिए हमें ऐसी फिल्में देखने मिल रही है। अब विद्युत जी अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अब आप विलन्स के रोल करो जिसमें पब्लिक आपको फुल सपोर्ट भी करते हैं और हमको देखने में भी मज़ा आता है। बस ये सब में आप अपना टाइम पास मत करो, वरना हमें हर्ट होता है कि यार एक आउटसाइडर इतना बड़ा नाम करने के बाद ऐसे काम कर रहे, तो हमें अच्छा नहीं लगता है। आपको मेरा रिव्यू पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, अगर आपने फिल्म देखा है, अगर आप मेरी बातों से सहमत हो तो प्लीज शेयर भी कर दो इस वीडियो को और ऐसे सपोर्ट करते जाइए। मेरा किसी से हेट नहीं है, सबसे ही प्यार है विद्युत, आई लव यू यार। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।